KHZ Chemical Emporium, formulation experts. Locally formulated shampoo base available at best price. Alpha Olefin Sulfonate Shampoo Base Sales, KXN Chemical Emporium. हमारे YouTube चैनल Alchemist को लाजमी सब्सक्राइब करें. सजाद अहमद, B12, शाह फैसल चौन, खोसा गोट, मलेर कराची. कॉल 0300 45 42 034. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. आपके अपने चैनल अल्केमिस्ट में आपका केमिस्ट सजाद अहमद हाजिर खिदमत है 1000 प्रैक्टिकल आइडियाज़ वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में. आज इंशाल्लाह हम बनाने का तरीका सीखेंगे कारपेट्स के लिए जो शैम्पू इस्तेमाल होता है वो हम इसको आज बनाने का तरीका सीखेंगे. छोटी फॉर्मूलेशन, 300 ml हमने इसमें पानी लिया, 300 ml पानी, और 300 ml पानी के अंदर अब हमने 150 ग्राम जो है वो शैम्पू बेस डालना है. 150 ग्राम शैम्पू बेस, और ये लोकली फॉर्मुलेटेड हमारा शैम्पू बेस है. हर वीडियो में हम इसको प्रमोट करते हैं, कहते रहते हैं, दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ले भी रहे हैं. जिन अहबाब को चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकते हैं. मेरे मोबाइल नंबर पे सैंपल पहले ले लें, फिर अपना इत्मीनान कर लें. ये 150 ग्राम जो है वो शैम्पू बेस वो हमने इसमें ऐड करके इसको डिज़ोल्व कर लेना है. जी, अगला इंग्रेडिएंट जो है वो कोको बटेन, इसके अंदर हम डालेंगे, और वो 15 ग्राम जो है वो कोको बटेन वो इसमें हम ऐड कर लेते हैं. ये अप्रोक्सीमेट हमने 15 ग्राम डाल दिया, 15 ग्राम इसको भी हल कर दिए. और उसके बाद 5 ग्राम इसके अंदर क्लीनिंग को इन्हांस करने के लिए ट्राई सोडियम फास्फेट TSP, एक बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट, ये 5 ग्राम ये इसमें हमने ऐड कर लिया, इसको भी डिज़ोल्व कर लिया इसमें. ये भी बड़े आराम से इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया. और अब यहाँ तक की जो हमने चीज़ें डाली हुई हैं ये फोमिंग और क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. अब कारपेट्स में अमूमन ये होता है कि ऐसा ऑयली किस्म का कोई फूड बिगड़ जाता है, तो हमें कुछ ऐसा सॉल्वेंट भी उसके अंदर डालना है जो उसकी अच्छी क्लीनिंग भी करे और कुछ थोड़ी सी डिसइनफेक्शन भी करे. तो उसके लिए IPA आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वो हमने इसके अंदर 10 ml या 10 ग्राम वो इसमें हमने ऐड ऑन कर देना है, और इसको भी हल कर लेना है. अच्छा, इसके बाद अब इसकी थिकनेस की बारी है कि हम इसमें कितनी इसको थिकनिंग करना चाहते हैं. नॉर्मली IPA शायद इसको इतना ज़्यादा थिक ना होने दें, लेकिन बहरहाल हम नमक लगा के और अपनी रिक्वायर्ड थिकनेस जितनी हम करना चाह रहे हैं वो हमने करके इसको हल कर देना है. ये एक अच्छे जेल की फॉर्म में और ये आ गया, भी नमक नीचे महसूस हो रहा है थोड़ी सी इसकी, और हम इसको अच्छे तरीके से हल करें तो ये और ज़्यादा अच्छा थिक हो जाएगा और अच्छी थिकनेस में जेल फॉर्म में है. और नेक्स्ट इसके अंदर हमने कलर और फ्रेग्रेंस देनी है. कलर अपने पसंद के मुताबिक मैं ब्लू कलर का इसमें टच दे देता हूँ, और खुशबू मेरे पास जो अवेलेबल थी वो मैंने इसमें दे दी, अपनी मर्ज़ी की इसमें दी जा सकती है, लेमन दी जा सकती है, कोई भी तेज़ खुशबू के उसके क्लीनिंग के आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो खुशबू के उसमें नज़र में महसूस होते रहें. और इसको भी इसके अंदर हमने मिक्स कर देना है. जी, ये तकरीबन प्रोडक्ट हमारा तैयार है, और इसको चूँकि अभी थोड़ी इसके अंदर झाग है
और इंशाल्लाह ये अपने जब इसकी झाग बैठ जाएगी तो तभी इंशाल्लाह आपको हम ये दिखा देंगे कि ये किस टेक्सचर में बनेगा। और कारपेट्स के लिए एक बहुत अच्छी फॉर्मूलेशन कारपेट वॉशिंग के लिए, वो लोग जो कार वॉश के फील्ड में हैं वो इसको अपने उनके पास अमूमन कारपेट वॉशिंग के लिए आते हैं, या लॉन्ड्री वर्क्स वाले लोग वो इसको प्रमोट कर सकते हैं, और या दो वो दोस्त अहबाब जो इन दो एरियाज़ में काम करना चाहते हैं, लॉन्ड्रीज के अंदर सप्लाई देना चाहते हैं कारपेट वाश के लिए, या ये कंबल के वॉशिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और ऐसे ही सर्विस स्टेशंस में ये कंबल वॉशिंग के लिए आते हैं और कारपेट वॉशिंग के लिए आते हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट। और इंशाल्लाह इसकी फाइनल टेक्सचर जब इसकी झाग बैठ जाएगी वो भी हम आपको दिखा देंगे। कारपेट शैम्पू की जो आपको डेमोंस्ट्रेशन दी थी, इस वक्त हमारा प्रोडक्ट ये इस अपीयरेंस में है और अच्छी इंशाल्लाह इससे क्लीनिंग और फोमिंग आएगी। ये आपको झाग बैठने के बाद का प्रोडक्ट, उसकी ये फिज़िकल अपीयरेंस। अब तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह किसी अच्छे आइडिया के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।